नमस्कार दोस्तों, आज मैं सामने आप लोगों के सामने एक लेकर के आया हूँ वर्ल्ड का बहुत ही एक्सपेंसिव और जाना माना ब्रांड जो कि पन की सीरीज में राज करता है, जैसे कि BMW और ऑडी बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित गाड़ियाँ हैं। ऐसे ही पन की सीरीज में राज करने वाला ये प्रोडक्ट जो एक ही एक कंपनी का है, जिसका सिंबल बहुत ही फेमस है, आप ये सिंबल देख के जान गए होंगे, जो कि है मॉन्टब्लैंक। ये मॉन्टब्लैंक पेन 1900 शताब्दी में आया और उसके बाद से लेकर के अभी तक ये पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पेन हमारे पास आज है और मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आया हूँ क्योंकि मोस्टली हमने देखा है लोग आजकल इस पेन की काफ़ी ज़्यादा कॉपी पाते हैं मार्केट में। इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ आ गई हैं, बिल्कुल फेक पेन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से लोग कभी कभी रिप ऑफ कर लिए जाते हैं, ठग लिए जाते हैं और बाद में काफ़ी शॉकिंग होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पेन फेक है। तो आज आपके साथ मैं ऐसा ना हूँ, मैं आपको बताऊँगा इसमें कुछ ऐसे बातें जिससे आप इस पेन को पहचान सकें। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी मॉन्टब्लैंक पेन की जो केसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लेदर बेस्ड होती है। उसका केस बहुत ही एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी केसिंग भी हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमेशा मॉन्टब्लैंक पेन जो होती है वो अपने में एकदम अलग फील आपको देगी। आप इस पेन को जब कभी होल्ड करेंगे तो आपको देखने में लगेगा ये पेन मॉन्टब्लैंक ही है, आपको बिल्कुल एक एहसास होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे ये कह दे कि मॉन्टब्लैंक की पेन आपको 60% 80% डिस्काउंट मिल रही है, सो डोंट बिलीव, बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, क्योंकि ये पेन्स कभी भी डिस्काउंट पे नहीं मिलती। बहुत ही रेयर केस होते हैं जब कभी वंस इन अ ब्लू मून आपको ऐसा कोई डिस्काउंट कोई दे दे, वरना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पेन होती है। जो मेरे हाथ में ये मिस्ट्रीक सीरीज की पेन है, इसकी खुद की कॉस्टिंग 38,000 रुपीज़ समथिंग है इस समय इंडियन मार्केट में। तो अब मुझसे कोई अगर ये कहे कि मैं इसको आपको 2,000 या 3,000 में दिला दूंगा तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 38,000 है और अप्रॉक्सिमेट 35,000 to 38,000 हर जगह पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अब मैं आपको इसकी कुछ बात करता हूँ थोड़ा सा फेक और रियल जेन्युइन पेन के पहचानने की। देखेंगे आप इसमें, इसके सबसे ऊपर साइड पे ये जगह जो है, इस पे जो ये पेन होल्डर होता है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जर्मन लिखा रहेगा। ये जर्मन पेन होती है क्योंकि ये जर्मनी की मेड पेन, इसकी स्टार्टिंग जर्मनी में हुई होती है, इसका ओरिजिन प्लेस जर्मनी ही है, ये जर्मन मेड होगा। और दूसरी बात, किसी भी मॉन्टब्लैंक पेन में आपको सीरियल नंबर ज़रूर मिलेगा। कुछ पेन ऐसी भी पाई गई थी जो बहुत पुरानी है, उसमें आपको शायद सीरियल नंबर ना मिले, लेकिन इस समय की जितनी भी पेन आ रही है मॉडर्न पेन्स में सीरियल नंबर कंपल्सरी है और इसी से इसकी कुछ वारंटीज़ और सर्विस गाइड भी होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके इस पेन होल्डर को देखेंगे तो इसको हमेशा रिवर्स करके देखिए। आप इसके पेन को रिवर्स करके देखेंगे तो इसकी पेंटिंग, इसकी डिज़ाइनिंग जैसे ऊपर वैसे ही बिल्कुल अंदर है, लेकिन अगर आप बात करते हैं फेक पेन की तो फेक पेन में आपको इसकी अंदर की पेंटिंग बिल्कुल ही अलग लगेगी, डल टाइप की। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी पेन पकड़िएगा तो इसमें देखिएगा, इसके तीन रिंग होते हैं, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, फिर नीचे वाला। ये तीन रिंग इसको ओरिजिनल जेन्युइन बनाते हैं। आप देखेंगे तो इसमें आपको मॉन्टब्लैंक लिखा हुआ मिलेगा बिल्कुल बीच में और ऊपर की दो रिंग बिल्कुल प्लेन होते हैं। सेम सीरीज में स्ट्रिक सीरीज भी आपको लिखी मिलेगी, यही से ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलता है बिल्कुल अपोजिट। इसके नीचे साइड में आपको मिस्ट्रिक ये लिखा हुआ मिलेगा और इसका ब्रांड मॉन्टब्लैंक। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इनसाइड। आप इसके इनसाइड अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको ये एक रोलर पेन मिलती है। आप इसको ओपन करिए और इसकी रिफिल को देखेंगे, वैसे तो ये बिल्कुल पैक्ड आती है लेकिन मैंने इसको चूँकि असेंबल कर लिया है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो देखेंगे आप इसके अंदर मॉन्टब्लैंक की ओरिजिनल रिफिल जो कि आपको डायरेक्ट नहीं निकलेगी, आपको इसको भी ट्विस्ट करके रोटेट करके निकालना पड़ेगा और फिर ये आपके हाथ में आती है ओरिजिनल पेन। ये इसकी रिफिल होगी जिस पे भी आपको मेड इन जर्मनी लिखा हुआ मिलेगा। इसकी सारी की सारी रिफिल्स जो भी होती हैं, जिसकी प्राइस रिफिल की ही प्राइस रोलर प्राइस लाइक 900 समथिंग अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ होती है सिंगल की, और अगर आप बात करते हैं इसका कॉम्बो पैक आता है तो लगभग 2000 रुपये के 2500 रुपये के आसपास आता है एज पर मॉडल नंबर। अगर आप बात करते हैं इस पेन की तो ये मिस्ट्रिक्स की जो मॉडल है इसका मॉडल नंबर रिफिल का H12 है, और इसका जैसे कि मैं मेरी जानकारी है, मैंने जहाँ तक इसका अभी चार्ज कराया तो इसका जो प्राइस है वो 2,499 रुपीज़ है इस मॉडल नंबर का एज़ पर माई नॉलेज। और
ये पेन काफ़ी फेमस है, काफ़ी कॉमन है मेरे पास, तो मैंने इसको परचेस किया चूँकि ये गिफ्टेड पेन है, तो जिसने भी परचेस किया है उसकी हमेशा जब भी आप लीजिएगा तो उसकी बिल ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अगर बिल नहीं है तो भी ये पेन कभी भी आपकी जेन्युइन नहीं मानी आती है। इसकी जो भी वारंटीज़ है, जो भी इसका ब्रांडिंग है किसी भी ब्रांडेड चीज़ का, वो बिल से ही होता है, तो आप बिल लीजिए। फर्दर केस में अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है आपकी जेन्युइनिटी पे कोई फिंगर रेज होती है, तो आप बिल्कुल उस पर कोई भी किसी तरीके का लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मॉन्ट ब्लैंक हमेशा मॉन्ट ब्लैंक होता है, और वो आपको एक अलग फील देगा, वो एक अलग टच देगा आपको यूज़ पे, लेकिन हमेशा जेन्युइनिटी आपकी आपको बिल से ही मिलेगी जो अपने प्राइस टैग में होती है। तो ये चीज़ आप कभी भी यूज़ करेंगे आप पाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसके कभी भी आप जो पेन होल्डर को देखेंगे तो आप इसको टच करिएगा, ये हमेशा आपको एक उभरा हुआ यहाँ पे लुक देगा। ये मॉन्टब्लैंक की खासियत होती है, मैंने जितने भी पेन देखे हैं उसमें उभरे हुए ये आपको हल्का सा आप देखिएगा साइड में, तो ये एज आपको मिलेगा, ये उभरा हुआ।